Assalamualaikum, welcome to my channel. I hope आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. मेरे FB पेज पर आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हो. मैं आप जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो कन्वर्सेशन करके, क्योंकि मैं बार बार एक ही टॉपिक पे जो है वीडियो पे एक ही टॉपिक को वीडियो पे बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकती. इससे आप लोग बोर हो जाओगे और जो लोग सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर उनके लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. आज मैं आपको बेल बॉटम की कटिंग बताने जा रही हूँ. बेल बॉटम विद कंसील्ड जिप एंड हाफ इलास्टिक बेल्ट. मेथड उसका सेम है कटिंग का जो लास्ट हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था ट्राउजर की कटिंग का. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया था. इसके लिए मेरे को लेंथ चाहिए 33 इंच की. वेस्ट 1/4 वेस्ट है मेरे पास 10.5 और बॉटम मेरे को चाहिए 12 इंच का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कटिंग. यहाँ से सबसे पहले हम लोग मार्जिन देते हैं. अच्छा, अगर आप 48 साइज का 48 लेंथ का अगर आप ट्राउज़र बना रहे हो तो उसके लिए 2.5 यार्ड फैब्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा की आपकी लेंथ तो फिर आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा. अगर 48 भी लेंथ है तो 2.5 यार्ड में आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाह रही थी, ये देखिए मैंने कपड़े को आज 4 फोल्ड करा है. ठीक है, आप कपड़े को इसी तरह 4 फोल्ड कर सकते हो और जहाँ पर इसका खुला वाला साइड होगा आपने वहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी है, ताकि जो आपको बंद वाला साइड होगा तो आपके पास पूरा फैब्रिक एज इट इज़ आपके पास रह जाएगा, जिससे आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो. लास्ट टाइम हमने जो लेंथ रखी थी उसमें हमने ऊपर 3 इंच का फोल्डिंग रखा था. यहाँ पे हम जस्ट 0.5 की फोल्डिंग देंगे. 0.5 की फोल्डिंग देने के बाद हम इस पर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे. मेरे को यहाँ पे वेस्ट चाहिए 10.5 इंच. लेंथ का फॉर्मूला यही है कि आपकी जो टोटल लेंथ वेस्ट है उसको आपने डिवाइड करना है 4 से प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू योर वेस्ट साइज. तो वेस्ट साइज मेरे को यहाँ पे चाहिए 10.5. मैं इसमें 5 इंच ऐड करती हूँ सीम अलाउंस के लिए और मैं यहाँ पे 11 इंच का मार्जिन रखती हूँ. क्रॉस लाइन का फॉर्मूला ये है कि आपका जो 1/4 वेस्ट है उसमें आपने 1.5 इंच ऐड करना है. यानी कि 1/4 वेस्ट का मेरा 10.5 तो मैं यहाँ पे 1.5 ऐड करूँगी. मेरे पास आएगा 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देके यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको ऐसी राउंड शेप देनी है. आपने नीचे से आपका जो बॉटम है वो हमें चाहिए 12 इंच का और 12 इंच में मैं यहाँ पे फोल्डिंग दूंगी 2 इंच की. अच्छा, ट्राउजर में बेल बॉटम में आप लोग 2 इंच से लेके 3 इंच तक की फोल्डिंग दे सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू, आप 1 इंच का भी फोल्डिंग दे सकते हो, आप 3 इंच का भी दे सकते हो. तो यहाँ पे मेरी टोटल जो लेंथ है मेरी है 33. राइट, और 33 में मैं 2 इंच बस ऐड करूँगी यहाँ पे 35 इंच. यहाँ से मैं इसका जस्ट एक इमेजिन लाइन बना रही हूँ. इसमें कोई मार्किंग नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें. राइट, अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ प्रोसेस जो हमारा प्रीवियस क्लास का था, यहाँ से हमने इसका सेंटर का हाफ करना है. ये मेरे पास 13 इंच आ रहा है. 13 का हाफ होता है 6.5. मैं यहाँ 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर इस मार्क को मैं टॉप से लेके बॉटम तक मैं इसको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी. वैसे
वैसे तो बेलवर्थम के लिए आपके पास ये जो शेप पट्टी है, आपकी जो कर्वी स्केल है, वो होना लाजमी है, बट मैं उसके बगैर भी आपको बता देती हूँ। आप हम जब यहाँ पे 12 इंच का लेते हैं बॉटम, तो हमने 6 इंच यहाँ से बॉटम का लेना है और 6 इंच हमने यहाँ से बॉटम का लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच का बॉटम। अब बेल बॉटम में क्या होता है, बेल बॉटम में आपको चाहिए होता है नीज का परफेक्ट आपको मेजरमेंट चाहिए होता है। तो नीज हमेशा ऊपर से लेंथ से नीज हमेशा 21 पे आती है। अगर हाइट थोड़ी छोटी है तो 20 पे आएगी, अदरवाइज 21 जो स्टैंडर्ड साइज है वो 21 लेंथ पे आपका नीज होता है, राइट। यहाँ पे आपका नीज होगा, नीज की चौड़ाई आपको लेने की जरूरत तो इस तरीके से है कि आप अगर बॉडी मेजरमेंट नहीं ले रहे हो तो जो आपका ये वाला हिस्सा है ये आपका था 13 का हाफ आएगा 6.5, राइट। यानी कि जो आपका नीज का साइज है वो है आपका 6.5, आपने 6.5 को हाफ करना है। हाफ के लिए मैंने आपको बहुत ही इजी सा तरीका बताया था कि 6.5 जहाँ पे भी मेजरमेंट टेपर है आपने उसको ऐसे फोल्ड कर देना है, जहाँ पे भी मार्किंग आएगी वो आपकी हाफ होगी, राइट। इसके बाद आपने इस लाइन से टच करते हुए आगे लेकर जाना है, राइट। जब हम इसको अपनी पट्टी के साथ इसको करेंगे तो हमें क्या करना है, जब हम इसको शेप देते हैं तो यहाँ पे ये नोक सी बनती है, बट आपने नोक नहीं बनानी, आपने यहाँ पे कर्वी शेप दे देनी है इस तरीके से करके, ऐसे आपने नोक नहीं लेके आनी है कहीं पे भी, एज इट इज आपने यहाँ पे भी इसको करते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने मैच करना है, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए यहाँ से आपका, यहाँ से आप लोगों की गलती हो रही थी, यहाँ से आप लोग बार बार इसको इस तरीके से करके और फिर इसको सीधा लेके जाते हो। अगर आपके पास ये पट्टी है तो इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि आपने इस पट्टी के अकॉर्डिंग ऐसे, ये देखिए अगर आपके पास ये पट्टी है तो आप इस पट्टी के अकॉर्डिंग अपनी शेप को बहुत ईजीली जो है वो शेप दे सकते हो, और अगर नहीं है तब भी आपने इसके साथ ऐसे करते हुए यहाँ से आपने ऐसे राउंड शेप में लेके जाना है। यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे इसका कॉर्नर बना रहे हो, ये कॉर्नर आपने नहीं बनाना है, आपने इसको ऐसे शेप देनी है। नेट से स्टार्ट कटिंग, अब हम जब कट करते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट दो फैब्रिक लेना है, ठीक है, डबल फोल्ड फैब्रिक आपने लेना है एंड इसको आपने कट करना है। यहाँ से आप लोग 4 फोल्ड ले सकते हो, यहाँ से आपने 4 फोल्ड फैब्रिक को कर दिया, यहाँ से आपने एज इट इज 0.5 का मार्जिन छोड़ना है जैसे मैंने बताया था आपको। जब यहाँ पे हम फिटिंग साइड फिटिंग पे आते हैं तब हमने यहाँ से 2 फैब्रिक आपके लेने हैं, यहाँ से करने के बाद ऊपर से आपने इसको स्ट्रेट कर देना है दोनों साइड से। ये
ये आपका फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। बैक पार्ट के लिए आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को आपने यहाँ से खोल देना है। खोलने के बाद आपने यहाँ पे नीचे से आपने 1 इंच का मार्जिन देना है, नीज तक आपने 1 इंच का मार्जिन देना है। नीज के बाद से ऊपर से आप 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसी फैब्रिक को आगे रखते हुए अपनी मार्किंग को कंप्लीट करना है ताकि आपकी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बेल बटन की जो कटिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें जो फैब्रिक मैंने इस तरीके से निकाला था उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब आपने इस तरीके से फैब्रिक को रखा है तो आपके पास ये पूरा पीस, ये इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है ये पूरी आएगी, अदरवाइज ये फिर 4 पीसेस में आपके पास आता। आप इसको अपने किसी भी क्रिएटिविटी में यूज़ कर सकते हो। इसमें ऊपर से जो बेल्ट की अटैचमेंट है वो मैं आपको स्टिचिंग की क्लास में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है, साथ में हमें इसमें कंसील जिपर ऐड करना है और हाँ प्लास्टिक बेल्ट इसमें डालना है। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर भी कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको क्लियर करना हो तो आप FB पे, WhatsApp पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।